सरकार से सवाल करो तो जवाब मिलता है तमंचा, अखिलेश यादव। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि गाजियाबाद में साइकिल ट्रैक बर्बाद हो गए हैं, ऑटो वालों को पुलिस ने पीट पीट कर मार डाला, लेकिन सरकार से सवाल करो तो उनकी तरफ से जवाब मिलेगा तमंचा। पूछो कि स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है तो जवाब मिलेगा तमंचा। महंगाई अपने चरम पर है, दाल महंगा, आटा महंगा, गैस महंगा, लेकिन इन पर सवाल पूछो तो जवाब मिलेगा तमंचा। उन्होंने अतीक और असरफ हत्याकांड के मामले में कहा कि भाजपा सरकार कानून को ताक पर रखकर एनकाउंटर किए जा रही है। निकाय चुनाव पर बोलते उन्होंने कहा कि कई वर्षों से उनका मेयर, प्रदेश और केंद्र में उनकी सरकार है, फिर भी शहर बदहाल है। जो लोग कूड़ा नहीं हटा पाए, स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, वे चुनाव में क्या हुंकार भरेंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्था होने के कारण धक्का मुक्की भी हुई और कार्यकर्ताओं में आयोजकों के प्रति नाराजगी भी दिखी। गाजियाबाद में नहीं हुआ कोई खास विकास। अखिलेश यादव ने कहा कि शहर, राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार है, फिर भी वे शहर को स्वच्छ नहीं कर पाए। इन शहरों की जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वे सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बड़ी संस्थाएं, उद्योग होने के बावजूद गाजियाबाद वहीं का वहीं है। कोई खास विकास नहीं हो पाया है, नदियां गंदी हैं, एसटीपी प्लांट नहीं लगे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर कोई काम नहीं हो रहा है। पढ़ाई सस्ती करने का दावा किया लेकिन अभिभावक परेशान हैं, स्वास्थ्य सेवाएं जस की तस हैं। नगर निगमों में भ्रष्टाचार हुआ है जिसका हिसाब जनता लेगी, सपा का भाजपा से है सीधा मुकाबला। समाजवादी पार्टियों और RLD में दरार को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि यह छोटे चुनाव है, हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते। इस बार उनका सीधा मुकाबला भाजपा से है, सपा को बीजेपी से लड़ना है, स्थानीय पुलिस प्रशासन से लड़ना है, लेकिन सपा मुकाबला करेगी।